हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मु दीप्ति आज शुक्रवार संध्यारे अनेक बड़ खबर आसी छात्र छात्री और शिक्षक मानक बड़ सूचना कोरोना संपर्क ठारु आरंभ करी सुना योजनार खबर रही आसंतु आज संध्यार सब खबर देखिनबा। खबर नंबर एक, आज राज्य में 300 तले रही दैनिक कोरोना संक्रमण। गतकाल 355 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होता बेले राज्य में गत 24 घंटा मध्य 262 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती। 153 जन संग्रोध केन्द्र रु चिन्हट होता बेले 109 जन पॉजिटिव स्थानीय संक्रमण रु चिन्हट होती। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर दुई, रायरंगपुर 50 कोटी टंका रे निर्माण हेबो राष्ट्रपति स्वतंत्र सर्किट हाउस। रायरंगपुर माटी झील द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भाव दायित्व ग्रहण करने गस्त रहणी केन्द्र और राज्य सरकार पक्षर आवश्यक प्रस्तुत चली। रायरंगपुर सहर रे तांका गस्त समय रे रहणी तथा आनुषंगिक व्यवस्था ने एक स्वतंत्र गृह स्पेशल सर्किट हाउस निर्माण पर प्रशासनिक स्तर रे प्रस्तुति चूड़ांत हो सारी। एबे देखिबा खबर नंबर तीन, दर वृद्धि पर रप्तानी कटकणा। अटा रप्तानी रे लागिला कटकणा। गहम किंबा मेसलिन अटार रप्तानी उपरे केन्द्र सरकार गुरुवार कटकणा लगाई। सामग्रीर दर वृद्धि को नियंत्रण करने दिगरे एभली कार्यपंथा ग्रहण कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में बसी अर्थनैतिक व्यापार संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक में संपर्कित निष्पत्ति। वैदेशिक वाणिज्य महानिर्देशालय पक्षर एने एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर चार, पेट्रोल डीजेल एबे सस्ता। महंगा पेट्रोल डीजेल साधारण लोक कंदाऊ। देशर लक्ष लक्ष लोक से गाड़ी गुड़ी निज घर पार्किंग करण दामी पेट्रोल डीजेल किणवा स्वल्पय करुवा लोकों बजेट्रे ना लोकों समस्या को दृष्टि रखि पेट्रोल और डीजेल उपर निर्भरशीलता ह्रास करने को सरकार पुणी एक नुआ उपाय व्यवहार कर। सरकार पुणी थे फ्लेक्स इंधन उपर ध्यान दे आसंता 6 मास मधे फ्लेक्स इंधन कार आणवा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार कंपानी सह आलोचना चली। फ्लेक्स इंधन हो एक ईंधन जहाँ मध्यम आम इथानल सहित मिश्रित ईंधन आम कार चल पारा। खबर नंबर पाँच, 27 एएसओ परीक्षा। आसंता काली हेबो एएसओ लिखित परीक्षा। राज्यर 33 जोन में 482 सेंटर में परीक्षा देवे 2,06,000 रु अधिक परीक्षार्थी। आसंता काली सकाळ 9:00 रु 3:00 पर्यंत परीक्षा करा जिवो। प्रथम पर्याय साधारण ज्ञान, द्वितीय पर्याय मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, तृतीय पर्याय भाषा ओडिया और इंग्रेजी विषय रही। समस्त परीक्षा रे दिव्यांग छात्र छात्री को अतिरिक्त 30 मिनिट समय दिजिव। 796 एसएसओ पदवी पूरण पर निजुक्ति प्रक्रिया करा एथिपाय लिखित परीक्षा गत 21 तारीख रे हेबार थिला। हेले राज्यर बन्या स्थिति पर यह आसंता काली घुंचाई जाइथिला। एबे देखिबा खबर नंबर 6, खोलिबोनी मद दुकान। सेप्टेम्बर 1 लुटिन्स दिल्ली में कौन मद दुकान खोलिबार संभावना नहीं कारण नुआ दिल्ली म्युनिसिपालिटी काउंसिल बुधवार दिन निज अधीन 5 सरकारी मद दुकान खोलिबाकु आप सरकार प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिछि। एने संस्थार अधिकारी माने सूचना देइछन्ति। नवंबर 2021 रे नूतन एक्जाइसी पॉलिस लागू यापर दिल्ली में कौन सरकारी मद दुकान नथिला। एथसहित यह नीति बातिल करने को सरकार निष्पत्ति कार्यकारी होगा सहित सहर में घर मद दुकान अगस्त 31 पर्यंत बंद रहा सरकारी मद दुकान संचालन हो। खबर नंबर 7, मिलूनी केन्द्र अनुदान। मध्यान भोजन पर खर्च करेंगे राज्य सरकार। राज्यर विद्यालय गुड़िकर छात्र छात्री मानक जगै दि जा मध्यान भोजन कार्यक्रम पर केन्द्र सरकार ठिक समय अनुदान जगै दे नही कार्यक्रम समस्या देखा। केन्द्र सरकार पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर सिंगल वाइंड को बाहाना कर यह बाबद जगै दे सहायता राशि प्रदान में विलंब करुवर असुविधा सृष्टि होती तेणु राज्य सरकार बाबद व्यय निज बहन करेंगे बोली सूचना दि जाए। एथिपाई विभिन्न अकाउंट को 200 कोटी टंका पठा जिबार व्यवस्था कर। आसंता गोटे सप्ताह मध्य अर्थ प्रदान कर। खबर नंबर 8, सारा देश में डेबिट और क्रेडिट कार्ड व्यवहार करने एक गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी। अक्टोबर 1 तारीख रु रिजर्व बैंक ऑफ ऑफलाइन टेक्निकल नियम परिवर्तन करने को निष्पत्ति नहीं। आरबीआई कही टेक्निकलाइजेशन सिस्टम रे परिवर्तन परे कार्डधारी देय अभिज्ञतार उन्नति होबो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड करिवार पूर्व अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहिबो।
पूर्व अपेक्षा क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड माध्यम रे देय प्रदान सुरक्षित करबा हि नूतन नियमर उद्देश्य। जेतेबेले ग्राहक डेबिट किंबा क्रेडिट कार्ड माध्यम रे ऑनलाइन पॉइंट ऑफ विक्रय किंबा आप करिबार करंती समस्त विवरण इनप्लेटेड कोड रे संचय हेबो। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 9, भारत आसीबे दलाई लामा। दीर्घ 3 वर्ष परे पुणी भारत आसुछंती तिद्धतीय धर्मगुरु दलाई लामा। लद्दाख रे गोटे मास रहणी परे शुक्रवार दलाई लामा दिल्ली आसुछंती। लद्दाख बौद्ध संघ ही सूचना देछि से दिल्ली रे कोनोसी राजनैतिक व्यक्ति को भेटी बैठक करिवे कि नाही ता स्थिर होइनाई। बौद्ध संघ कहिछंती जे परम पावन 14तम दलाई लामा 2022 अगस्त 26 रे लद्दाख रे तांकर गोटे मास प्रवास परे लेहुरी दिल्ली को प्रस्थान करिवे। दलाई लामा 17-30 फोतांग गेफलिक जेहसरु केबेर एयरपोर्ट लेहुरु बाहरबे। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 10, 46,900 भारतीय प्रतिवर्ष साप कामुडारे मरुछंती। प्रथम थर पई भारतीय भेषज गवेषणा परिषद देशरे साप कामुडारे केते लोक मरुछंती ता उपरे एक अध्ययन करिछंती। एही अध्ययन अनुसारे विषाक्त साप कामुडारे भारतरे प्रतिवर्ष हाराहारी 46,900 लोकंकर मृत्यु घटुछि। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया साप कामुडारे वर्षक मात्र 10-12 जन लोक मरुथे बेले भारत में मृत्यु संख्या अत्यंत चिंताजनक। ऑस्ट्रेलिया रे पुणी लोक संख्या कम थिबा बेले सरीसृपक संख्या अधिक। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 11, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम रे जने कर्मचारी को बेआईन भाबे कार्यरु विरोध करबा विरुद्ध रे उक्त कर्मचारी ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम अध्यक्ष तथा परिचालन निर्देशक को गतकाली धारणा नोटिस देथिबो जणा जाइछि। से तांको अभियोग पत्र रे ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम अध्यक्ष तथा परिचालन निर्देशक को जणाइछंती जे आसंता सेप्टेम्बर 5 तारीख सुद्धा जदि तांको कार्य रे पुनर्स्थापित न करंती तेबे से ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्य कार्यालय आगरे धारणा देबाकू बाध्य हेबे। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 12, कांग्रेस छाड़िले गुलाम नबी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस रु इस्तफा देछंती। गुलाम नबी आजाद पार्टी रो प्राथमिकता सदस्यता ठारु आरंभ करी समस्त पदबरु इस्तफा देछंती। गुलाम नबी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 5 पृष्ठार इस्तफा पत्र प्रदान करथिले। गुलाम नबी आजाद अनेक दिनरु कांग्रेस प्रति असंतुष्ट रहिथिले। कांग्रेस प्रति असंतुष्ट रहिथिबा G23 असंतुष्ट रे शामिल थिले। G23 कांग्रेस रे लगातार अनेक परिवर्तन पई दाबी करथिले। एहा पूर्वरु कपिल सिबल पार्टीरु इस्तफा देथिले। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 13, भिसुट हेबो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। संबलपुर स्थित भिसुट रे विकास पई 1000 कोटी टंका व्यय बरद करा जिवो। एहार कैंपस संप्रसारण पई जमी जोगाई देबे राज्य सरकार। गुरुवार संबलपुर गस्तरे जाई विभिन्न न उन्नयनमूलक कार्य समीक्षा करछंती मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र और 5T सचिव VK पांड्यान। गुरुवार सकाळे उभय संबलपुर रे पहुंचिबा परे भिसुट गस्त करथिले। एही प्रतिष्ठान को खूब शीघ्र सेंटर ऑफ एजेंसी रे परिणत करा जीव बोली मुख्य सचिव घोषणा करछंती। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 14, एणिकी चार्ट रे आसीबो व्हाट्सएप स्टेटस। इंस्टाग्राम स्टोरी भी व्हाट्सएप स्टेटस एबे चार्ट तालिका रे नजर आसीबे। एही नुआ फीचर्स एबे व्हाट्सएप बीटा वर्जन ने ग्राहक को भेटी दिया जीव। व्हाट्सएप टोनी फे फीचर विषय अधिक सूचना शेयर करिछि। एहा द्वारा जने व्यक्ति स्टेटस अपडेट करिले एहा चार्ट रे प्रदर्शित होइ परिबो। अपडेट करथिबा व्यक्तिर प्रोफाइल फोटो उपरे एक गोलाकार दाग देखा जीव। एहा उपरे क्लिक करी उक्त व्यक्ति को स्टेटस देखि परिबे। तबे एहा केउटु कार्यकारी हेबो से नै किछि सूचना मिलि नै। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 15, एथर आगु आरंभ हेबो दक्षिण पश्चिम मौसुम बायुर प्रत्यावर्तन यात्रा। उत्तर पश्चिम भारत रु संभवतः 15 दिन आगुआ मौसुमी रो विदाई यात्रा आरंभ होई पारे। सेप्टेम्बर 1-7 तारीख भितरे उत्तर पश्चिम भारत रु मौसुमी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया नै पाग अनुकूल रहिबा संभावना अछि। एभली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। मात्र एभली पूर्वानुमानरे ओडिशा पई चिंतार कोनोसी कारण नै। आसंतु एबे देखिबा खबर नंबर 16, आसंताकाली ठू आरंभ हेब एशिया कप। अगस्ट 28 रे पाकिस्तान सह निजर प्रथम मैच खेलिब भारत। UAE रे आरंभ हेबाक जाउची बहुदिवसीय टूर्नामेंट। अगस्ट 28 रे भारत निजर प्रथम मैच पाकिस्तान सह खेलिब। ए मैच उपरे सारा विश्व रे नजर रहिची। भारत पाकिस्तान मैच को नै उत्साहित अछंती फैंस। चलित वर्ष एशिया कप रे श्रीलंका आयोजक थिबा बेले सब मैच UAE रे खेला जाइब। समस्त टीम UAE रे पहुंचिबे एबे अभ्यास करछंती। भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत 6 टीम एबे ट्रेनिंग रे व्यस्त अछंती।
ट्रेनिंग बेले भारतीय खेलाड़ी प्रथम अफगानिस्तान खेलाड़ी को भेटी थे। खबर नंबर 18 आज ओजेई काउनसेलिंग पंजीकरण विभिन्न वैषयिक और वृत्तिगत शिक्षानुष्ठान नाम लेखापी ओजेई काउनसेलिंग प्रक्रिया आज आरंभ हो ऑनलाइन जोगे काउनसेलिंग होगा बेले लैटेराल वर्गर डिप्लोमा बीएससी फार्मा और इंटरग्रेटेड एमबीए छात्र छात्री काउनसेलिंग हो छात्र छात्री पंजीकरण और चॉइस फील्डिंग ऑनलाइन जरिए आसंता 10 तारीख जाए चलो सहीपरि सविशेष सूची परवर्ती समय प्रकाश पावाक छात्र छात्री तथ्य www.og.nice.in माध्यम देपारे आसतु एवं देखा खबर नंबर 18 2022 केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार सम्मानित हो राज्यर दुई साहित्यिक शुभेच्छा जनइले मुख्यमंत्री 2022 केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पर राज्यर दुईज लेखक मनोनीत होती या केन्द्र साहित्य एकाडेमी पक्षर दुईट पृथक पृथक नोटिफिकेशन माध्यम सूचना प्रदान करपटे मनोनीत साहित्यिक ट्वीट मध्यम शुभेच्छा जन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक नरेन्द्र प्रसाद दास को कोलाहल ना हलहल रचना सम्मानित तो हे से बाल साहित्य पुरस्कार 2022 मनोनीत तो होती से ही दिलीप बेहरा साहित्य एकाडेमी युव पुरस्कार 2022 मनोनीत तो होती से रचना करते लंठन।